दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है हेल्थ एजुकेशन एंड फन हब में। दोस्तों आपसे एक अपील, कृपया ये बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो आपका आइकन होगा वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 15 के बारे में और हम लोग जानेंगे आर्टिकल 15 इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। हम लोग जानेंगे इस आर्टिकल के क्या क्या क्लॉजेस हैं और उन क्लॉजेस के अंदर क्या क्या लिखा है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक आर्टिकल 15 टाइटल नाम की एक मूवी 28 जून 2019 को रिलीज होने वाली है और अगर आप इस पोस्टर को देखेंगे तो आप आयुष्मान खुराना को देख सकते हैं। तो आयुष्मान खुराना जो है इस मूवी में लीड रोल कर रहे हैं। अब मूवी में क्या है क्या नहीं है ये तो आप 28 जून 2019 को ही देख सकते हैं, पर जितना भी हम लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर देखा है तो ट्रेलर देख के तो मुझे ऐसा ही लगा है कि ये जो मूवी है जो वर्तमान में इंडिया में कास्ट सिस्टम है या वर्ण व्यवस्था अभी भी हमारे देश में अंदर जो स्थापित है उसके एक कटाश मुझको लग रही है। पर बाकी मैं ज़्यादा इस मूवी के बारे में बता नहीं सकता। 28 जून तक का इंतजार करते हैं और देखते हैं इस मूवी में क्या है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, इस मूवी का काफ़ी विरोध भी हो रहा है, खास तौर से यूपी और जो नॉर्दर्न राज्य हैं उनमें विरोध हो रहा है। तो कंटेंट के बारे में तो हम कुछ कमेंट करेंगे नहीं, 28 जून तक इंतजार करते हैं और देखते हैं इस मूवी में क्या है। क्या ये मूवी अपने नाम के तहत यानी कि आर्टिकल 15 के तहत आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करती है या नहीं करती है, किसी खाली आर्टिकल 15 इसको नाम ही दिया गया पब्लिसिटी के लिए, ये तो हम तभी देख पाएंगे। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 15 के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आर्टिकल 15 जो है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने 5 वर्ड्स को लिखा है और उनको हाईलाइट करके लिखा है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो अगर मैं मोटा मोटी आपको आर्टिकल 15 डिफाइन करूँ तो बहुत ही सिंपल वे में डिफाइन करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी भी भारत के नागरिक को आप उसके रिलीजन, रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आपके साथ साथ उसका स्टेट भी उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, उससे कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। अगर हम रिलीजन की बात करें तो भारत में जैसे मैं आप लोग जानते ही हैं कि भारत में कई सारे रिलीजन हैं। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसके अलावा बुद्धिस्ट लोग भी हैं, पारसी लोग भी हैं, जूश लोग भी हैं। तो भारत में काफ़ी सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं। तो इसमें जो आर्टिकल कहता है कि भारत जो वर्ष है, भारत एज अ कंट्री और उसके जो स्टेट हैं, उसका जो सिटीजन है, वो सब वहाँ पे किसी भी आदमी को आप उसके रिलीजन के तहत या उसके रिलीजन के नाम पे आप भेदभाव नहीं कर सकते, उसको कहीं पे एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते, उसको कोई फाइनेंशियल एड या कोई भी ऐसी सुविधा डिनाई नहीं कर सकते। ऐसे रेस की बात करें तो भारत में अगर आप लोग देखें तो आर्यन रेस, द्रविड़ियन रेस, मंगोलियन रेस, काफ़ी रेसेस हैं। ऐसे ही रेस के नाम पर भी कोई भेदभाव भारत में नहीं होना चाहिए। अगर आप कास्ट सिस्टम की बात करें तो भारत में तो एक जटिल कास्ट सिस्टम है, काफ़ी कास्ट हैं यहाँ पर, सब धर्मों में कास्ट हैं। तो ऐसे ही कास्ट सिस्टम पर भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है। सेक्स, मेल फीमेल दो सेक्स हैं जहाँ तक माना जाता है, जहाँ तक लोग कहते हैं कि भारत की जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पुरुष प्रधान सोसाइटी है, पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पुरुष और महिला यानी कि मेल फीमेल दोनों इक्वल है और उन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा ही प्लेस ऑफ बर्थ, चाहे किसी भी सिटीजन का बर्थ कहीं भी हुआ हो, चाहे कश्मीर में हुआ हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में, चाहे बंगाल में या फिर राजस्थान में, उसके आधार पर, उसके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर ना तो स्टेट और ना ही भारत का कोई और सिटीजन उससे कोई भेदभाव नहीं कर सकता। तो अगर आप मोटा मोटी मैंने आप लोगों को आर्टिकल 15 डिफाइन किया है और मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 15 का मेन कंटेंट क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 15 में 5 क्लॉजेज हैं, उन क्लॉजेस को हम आगे अब डिफाइन करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि अभी बताया था कि कोई भी भारतीय स्टेट या सिटीजन किसी भी अन्य भारतीय सिटीजन को उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और ना ही भेदभाव होना चाहिए। तो आर्टिकल 15 का फर्स्ट क्लॉज कहता है कि स्टेट, यहाँ पे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है वो स्टेट की फिक्स की गई है कि स्टेट जो होगा यानी कि राज्य, भारत में जितने भी राज्य हैं, साथ ही साथ भारत एज अ नेशन, वो किसी भी सिटीजन को
रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। देश और उनके राज्यों की एक जिम्मेदारी होगी कि वो सभी सिटीजन्स को और सभी धर्म वालों को, सभी जात कास्ट वालों को, मेल फीमेल को, चाहे किसी का गर्भ भी बर्थ हुआ हो, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देगा और वहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ऐसी अगर हम बात करें क्लॉज 2 की, तो देखिए क्लॉज 1 में जिम्मेदारी, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी थी स्टेट की, स्टेट यानी कि इंडिया और भारत के जितने भी स्टेट थे। और क्लॉज 2 की बात करें तो क्लॉज 2 कहता है सिटीजन की, कि आपने भारत की जिम्मेदारी एज अ कंट्री की और एज अ स्टेट की जिम्मेदारी तो फिक्स कर दी, पर स्टेट और कंट्री बनते हैं उनके सिटीजन से, तो स्टेट की जो मैकेनिज्म है वो तो इंश्योर कर रहा है कि कोई भेदभाव नहीं है, पर सिटीजन वो भेदभाव कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एज इन क्लॉज 1 में कि ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और क्लॉज 2 में कहता है सिटीजन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी किसी अन्य सिटीजन से, किसी दूसरे सिटीजन से उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। तो पहला क्लॉज कहता है स्टेट और दूसरा क्लॉज कहता है सिटीजन। आप एरो मार्क अगर नीचे देखें तो स्टेट प्लस सिटीजन को मैंने मिक्स कर दिया है। तो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 की अगर बात करें तो स्टेट और सिटीजन दोनों के कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करेंगे कि कोई भी भेदभाव भारत में नहीं है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन भारत में नहीं है। अगर आप क्लॉज 2 के पैरा ए और बी देखेंगे, तो पहले के ज़माने में ऐसा बोला जाता था, हम लोगों ने तो नहीं देखा, कि कई लोगों को शॉप्स में, रेस्टोरेंट में, होटल्स में या पब्लिक एंटरटेनमेंट में जाने की आज्ञा नहीं थी। कुछ लोग डोमिनेट करते थे, वो अलाउ नहीं करते थे। ऐसे ही कुएं का पानी, टैंक्स या नहाने के घाट, रोड या पब्लिक रेस्पॉन्स जो रिजॉर्ट होते थे, वो भी कई लोगों को वहाँ नहीं जाने देते थे। अब उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है तो हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि हम उस टाइम में पैदा नहीं हुए। पर आज के तारीख में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कहीं हो रहा है तो वो क्राइम है, और वो क्राइम रिपोर्ट होना चाहिए, और इस क्राइम को खत्म करने की जिम्मेदारी दोनों की है, स्टेट की भी है यानी कंट्री इंडिया, और उसके स्टेट्स, पूरे जो स्टेट्स हैं उनकी भी है, और सबसे इंपॉर्टेंटली उसके सिटीजन से है, क्योंकि सिटीजन से ही कंट्री बनता है। चलिए अब बात करते हैं क्लॉज 3 की। देखिए क्लॉज 3 जो कहता है, क्लॉज 3 में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड जो है रेड कलर में लिखा है, उसका नाम है फेवरेबल डिस्टिंक्शन। अगर आप क्लॉज 1 और 2 को रिवाइज करें तो क्लॉज 1 और 2 कहता है कि जो इंडियन स्टेट है और उसके सिटीजन, ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी सिटीजन का उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव ना हो, उससे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। पर फेवरेबल डिस्टिंक्शन हो सकता है। फेवरेबल डिस्टिंक्शन क्या है कि इंडियन स्टेट चाहे तो कुछ स्पेशल प्रोविजंस ला सकता है फॉर द अपलिफ्टमेंट और फॉर द सेफ्टी ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडियन सोसाइटी जो है वो पुरुष प्रधान सोसाइटी रही है, तो उनके सेफ गार्ड के लिए, यानी कि महिलाओं के सेफ गार्ड के लिए और बच्चों के सेफ गार्ड के लिए स्टेट चाहे तो कुछ लॉज बना सकता है। ऐसा ही एक लॉ का एग्जाम्पल दो तो चाइल्ड लेबर लॉ, सॉरी चाइल्ड लेबर एक्ट। तो चाइल्ड लेबर एक्ट है, उसके तहत कोई भी बच्चा जिसकी एज 14 ईयर्स से कम है वो लेबर नहीं कर सकता। पहले ऐसा होता था, तो इसी को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, इसी पे फुल स्टॉप लगाने के लिए क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 15 का प्रयोग करते हुए स्टेट्स ने, इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ बनाया कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है वो लेबर नहीं करेगा। ऐसे ही एक और मुद्दा है जो बहुत जोर शोर से उठता रहता है और उस पर बहस भी होती रहती है, वो है रिजर्वेशन ऑफ फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट, क्योंकि वुमेन को उनके नंबर के आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन दूर होना चाहिए। मेनली तो बात करते हैं 33% की। देखिए इस पे बहस चल रही है, इस पे भी कोई ना कोई लॉ नहीं आया है, पर अगर स्टेट चाहे तो आर्टिकल 15 के थर्ड क्लॉज को यूज करते हुए इस पे भी कोई ना कोई बिल ला सकता है और लॉ बना सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होप करता हूँ आर्टिकल 15 के क्लॉज 1, 2 और 3 आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं क्लॉज 4 की। देखिए क्लॉज 4 क्या कहता है, क्लॉज 4 कहता है कि आर्टिकल 15 के तहत अगर स्टेट चाहे तो कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है उन लोगों के लिए जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है और जो लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से हैं। तो ये जो क्लॉज है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आप देख सकते हैं कितना पुराना होगा। इसके अलावा अगर आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल
ट्राइब की डेफिनेशन चाहिए तो आप आर्टिकल 341 और 342 को रेफर कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि अगर पहले से ही अगर हम बात करें तो ये जो लोग थे जो कि शेड्यूल कास्ट के थे, रिलेटेड थे, या शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड थे, या फिर जो सोशली बैकवर्ड लोग थे जिनको आज हम लोग ओबीसी बोल सकते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट बोल सकते हैं, या एमबीसी बोल सकते हैं, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट बोल सकते हैं, या ईबीसी बोल सकते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट बोलते थे इन लोग, ये लोग थोड़े ये जो लोग थे, ये समाज थे, ये डिप्राइव्ड थे। तो इन लोगों को बाकी लोगों को इक्वल लाने के लिए गवर्नमेंट चाहे तो कुछ स्कीम्स ला सकती है, कुछ प्रोविजंस ला सकती हैं जिससे इन लोगों का भी डेवलपमेंट हो। अगर इसी की बात करें तो बहुत से स्टेट रहते हैं जिन्होंने सब्सिडी का प्रोविज़न लाया है कि जब भी कोई ऐसा बंदा जो इन इन कास्ट का होगा, या इन 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 कास्ट का होगा, या इन इन ट्राइब्स का होगा, वो कोई बिजनेस करना चाहेगा, या कुछ छोटा मोटा प्लांट लगाना चाहेगा, छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाना चाहेगा, तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देगी। ऐसा ही कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहेगा तो उसको स्कॉलरशिप का प्रोविजंस होगा, कुछ स्टेट में रिजर्वेशंस होगा, कुछ सीट रिजर्व की जाएगी इन बच्चों के लिए जिससे यहाँ के बच्चे भी आए और एजुकेशन में पार्ट ले, या कुछ जॉब के लिए रिजर्वेशन होगा जिससे इन बच्चों का भी पार्टिसिपेशन पॉलिसी मेकिंग में बने और जॉब्स में ये लोग भी आए। तो क्लॉज 4 का यूज करके स्टेट चाहे तो कुछ स्पेशल प्रोविजंस ला सकता है उन लोगों के लिए जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, जो शेड्यूल कास्ट से हैं और शेड्यूल ट्राइब से हैं। चलिए हम बात करते हैं क्लॉज 5 की। देखिए क्लॉज 5 और 4th जो है लगभग रिलेटेड है, पर जो क्लॉज 4 है वो बहुत बड़ा, यानी कि ब्रॉडर परस्पेक्टिव, और क्लॉज 5 जो है उसका एक छोटा पार्ट है। अगर आप बिल्कुल नीचे जाएंगे अपनी स्क्रीन में तो आप देख सकते हैं क्लॉज 5 जो है वो है टॉक अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और ये 93rd अमेंडमेंट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो पहले क्या होता था, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऐसे थे जो ऐसे जो लोग थे जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड थे, शेड्यूल कास्ट के लोग थे, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग थे, उनके लिए वहाँ पे उन इंस्टीट्यूट में कोई प्रोविजन नहीं था। तो इसके तहत गवर्नमेंट ने यह इंश्योर किया जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें भी ऐसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन्स हो जिससे ऐसे लोग इन कॉलेजेस में भी और कॉलेजेस में या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सके। तो यहाँ पे जो रेड लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देयर एडमिशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट। एडेड मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट जिनको वित्तीय सहायता देता है, इकोनॉमिकली एड देता है, और अनएडेड मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी वित्तीय सहायता या एजुकेशनल एड नहीं देता। तो ऐसे में स्टेट क्या करता है, एक भारी मात्रा में स्कॉलरशिप ऐसे बच्चों को प्रोवाइड करता है या रिजर्वेशन दे देता है जिसके तहत ऐसे बच्चे जो कि डिप्राइव्ड सोसाइटी से हैं वो भी ऐसे इंस्टीट्यूट में आगे पढ़ पाते हैं और अपना कैरियर बना पाते हैं और अपने समाज का अपलिफ्टमेंट कर पाते हैं। तो क्लॉज 1, 2, 3, 4, 5 और इनके सम अप से बना आर्टिकल 15 से गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि कोई भी सिटीजन जो इंडिया का हो उसको किसी भी प्रकार का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े। साथ ही जो ऐसे लोग हैं जो डिप्राइव्ड सोसाइटी से आए हैं, या फिर जो अपने एरिया के कारण पीछे इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गए हैं, सोशली बैकवर्ड हो गए हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट ऐसे प्रोविजन लाती है जिससे वो आम लोगों के साथ में, आम जनमानस के साथ में मिल सके। तो होप दोस्तों आप लोगों को आर्टिकल 15 के ऊपर हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। पर एक अपील आपसे जाते जाते कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक एक सब्सक्रिप्शन हम लोगों को काफ़ी मोटिवेट करता है और हम लोगों को प्रोत्साहित करता है कि हम अच्छे से अच्छा वीडियो बनाएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें जिससे जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस वीडियो का आनंद ले सके और समझ सके। धन्यवाद।